हेलो एवरीवन, नॉर्मली हम तरबूज खाते हैं और छिलके को फेंक देते हैं। आज हम इसे छिलके से बनाएंगे एक नॉर्मल सी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तरबूज को अच्छी तरीके से छिलके छील लेने हैं। छिलके छील लेने के बाद हमें इस तरीके से काटना है। काटने के बाद एक बाउल में हमें पानी गर्म करना है और तरबूज को छिलके को हमें इस तरीके से काटना है। अब पानी गर्म हो चुकी है, इसमें ऐड करेंगे हम वे सारे पीसेस। इसे अच्छे से उबाल आने तक छोड़ देना है, बीच बीच में मिक्स करना है आपको। ये देखिए, इसे अब थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ना है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। अब मैं इसे एक बाउल में छान लूँगी और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए, अब फिर से मुझे उसी बाउल में एक कप पानी गर्म करना है, साथ में ऐड करना है हाफ कप शुगर। फिर अच्छे से मिक्स करना है। पानी में जब उबाल आ जाए तब मुझे फिर से वो सारी वाटरमेलन की पीसेस को उसमें ऐड करना है। ऐड हो जाने के बाद हमें तब तक स्टीर करना है जब तक ये अच्छे से चीनी इसमें अब्सॉर्ब ना हो जाए। अब्सॉर्ब हो जाने के बाद इसे एक प्लेट में हम ठंडा कर लेंगे और ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप्स फूड कलर। मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ये बिल्कुल इस तरीके की दिखेगी। इसे हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना, और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक।